हाय डियर स्टूडेंट, पिछला जो वीडियो था हमारा सोर्सेस ऑफ एरर इन मीटर ब्रिज, उसमें क्या प्रिकॉशन लेना है और वो एरर की हमने एक्सप्लेनेशन दिया है डियर स्टूडेंट, कैसा होता है कांटेक्ट रेजिस्टेंस कैसा होता है और कैसा जीरो मार्क अगर कौन साइड अगर नहीं रहा तो क्या होता है। तो आज जो है डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट जो आज का जो वीडियो है हमारा, ये वीडियो में हम आपको वोल्ट मीटर हमें पता है डियर स्टूडेंट, और उसके बाद हमें पोटेंशियोमीटर भी पता है, और दोनों भी जो इंस्ट्रूमेंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो पैरामीटर्स है, वो क्या सब सेम है, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? तो आज जो है डियर स्टूडेंट, हम आपको पोटेंशियोमीटर का और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम आज आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। तो क्या डिफरेंस होगा, तो आज का हमारा जो टाइटल रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा डिफरेंस है डियर स्टूडेंट। ये जो डिफरेंस के जो पॉइंट है, ये वन मार्क क्वेश्चन के लिए भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए भी हो सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो दो पार्ट में इसको हम डिवाइडेड करते हैं, इधर हम पोटेंशियोमीटर लेते हैं, पोटेंशियोमीटर, और इधर हम लेते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर का जो फर्स्ट जो डिफरेंस पॉइंट है, वो फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट क्या होगा, इट इज यूज टू मेजर, इट इज यूज टू मेजर द EMF of cell and potential difference. It is used to measure the EMF of the cell, EMF of cell and potential difference. EMF of cell measure करते हैं और potential difference भी measure करते हैं potentiometer से। Second जो point होगा, पहले हम potentiometer के लेते हैं, उसके corresponding के voltmeter के लेंगे। सेकंड जो पॉइंट होगा पोटेंशियोमीटर, इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट जो होगा, इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट टू, इट मेजर द, ये पॉइंट को हम थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं डियर स्टूडेंट, इट मेजर द, थोड़ा डिफरेंट इसको करते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस सेम एज दैट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा होना है, इट मेजर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज दैट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, एज दैट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। मानो ये अगर हमारा पोटेंशियोमीटर है ऐसा, ओके, ये सिंपल ऐसा निकाला है हमने, ये बी पॉइंट होगा, ये ए पॉइंट होगा, यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल रहता है, यहाँ पे प्लग की, और ऐसा
रियोस्टेट रहता है यहाँ पे ऐसा, ये प्लग की ये हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, तो ये जो पोटेंशियोमीटर है, जितना हमने ईएमएफ ऑफ द सेल से जितना हमने करंट क्या किया है, फ्लो किया है सर्किट से प्लग की क्लोज होने के बाद, सेम करंट क्या होता है पोटेंशियोमीटर से भी सेम करंट क्या होता है फ्लो होता है। इसी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा इट इज द सेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। मींस इससे करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा, इसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट क्या है, इट मेजर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज दैट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। और क्यों है, तो इसका ये रीजन है। इसके करस्पॉन्डिंग फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इट डज नॉट ड्रॉज, इट डज नॉट ड्रॉज एनी करंट, इट डज नॉट ड्रॉज एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ, इट डज नॉट ड्रॉज एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ। यानी ये जो फोर्थ और थर्ड पॉइंट है ये एक दूसरे से क्या है डियर स्टूडेंट, कनेक्टेड है। इट डज नॉट ड्रॉज एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है ये सोर्स ऑफ ईएमएफ से कोई भी करंट ड्रॉज नहीं होता है। मीन्स जो एक्चुअल करंट है वही एक्चुअल करंट पोटेंशियोमीटर वायर से क्या होता है फ्लो होता है। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल रहेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, मेजर करेगा डियर स्टूडेंट। मीन्स इट डज नॉट ड्रॉज एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ। व्हाई, द पोटेंशियोमीटर इज मेजर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज दैट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉज एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ। यानी ये जो दो पॉइंट है ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, रिलेटेड है डियर स्टूडेंट। ये हो गए फोर्थ पॉइंट पोटेंशियोमीटर के। और वैसे ही अब वोल्ट मीटर के क्या पॉइंट हो गए, तो वोल्ट मीटर के पॉइंट क्या हो गए, इट इज यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर का पॉइंट क्या होगा, इट इज यूज टू मेजर ओनली दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान में रखना है, इट इज यूज टू मेजर ओनली दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं वोल्ट मीटर। इट कैन नॉट बी मेजर टू दी ईएमएफ ऑफ द सेल। वोल्ट मीटर से ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर नहीं कर सकते, मेजर नहीं होता, और पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ भी मेजर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर होता है। और उसके बाद सेकंड जो पॉइंट रहेगा, इट हैज अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। उसके बाद इसको हम लिखते हैं इट हैज हाई रेजिस्टेंस बट फाइनाइट। इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इट हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट मेजर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज दैट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट मेजर लेस पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर लेस पोटेंशियल डिफरेंस एज दैट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर लेस पोटेंशियल डिफरेंस एज दैट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। और क्यों होगा, फोर्थ पॉइंट इसके रिलेटेड रहेगा, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉज एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब यहां से डज नॉट रिमूव होगा तो क्या रहेगा, इट ड्रॉज
इट ड्रॉज सम करंट, इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ ईएमएफ। इसी की वजह से जो एक्चुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी डियर स्टूडेंट, क्योंकि वोल्ट मीटर ड्रॉज द सम करंट। वोल्ट मीटर को हम ये पॉजिटिव हो गए, ये निगेटिव हो गए, पॉजिटिव निगेटिव, और वोल्ट मीटर को हम ऐसे पैरेलल कनेक्टेड करते हैं डियर स्टूडेंट, वोल्ट मीटर को हम ऐसे पैरेलल कनेक्टेड करते हैं। तो ये जो वोल्ट मीटर रहेगा, ये वोल्ट मीटर, ये तो एक्सटर्नल सर्किट, इधर तो रहेगा एक्सटर्नल सर्किट, लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर ये ईएमएफ ऑफ द सोर्स से भी क्या करेगा, करंट क्या करेगा, ड्रॉज करेगा, मींस इट ड्रॉज द सम करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ। इसके वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इनएक्यूरेट होगा। ओके, तो उसके बाद के जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट, इसके बाद के जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या हो गए, फिफ्थ जो पॉइंट रहेगा, फिफ्थ पॉइंट, इट्स सेंसिटिविटी, इट सेंसिटिविटी इज हाई यानी पोटेंशियोमीटर जो है इट इज मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट देन द वोल्ट मीटर। ऐसे भी इसको हम, ये जो पॉइंट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट देन वोल्ट मीटर। और पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज, सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट, इट इज मोर सेंसिटिव मींस अगर हमने स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर हमने मेजर करने की अगर कोशिश की तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्यूरेटली प्रिसाइसली क्या दिखाएगा डियर स्टूडेंट, रीडिंग दिखाएगा, मींस इट इज अ मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट देन द वोल्ट मीटर, मींस इसकी जो सेंसिटिविटी है ये हाई है, और वोल्ट मीटर की जो रहेगी, फिफ्थ पॉइंट जो होगा वोल्ट मीटर का, इट सेंसिटिविटी इज लो। और उसके बाद सिक्स जो पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, इट इज मोर एक्यूरेट, इट इज मोर एक्यूरेट, इसका जो सिक्स जो पॉइंट होगा, इट इज लेस एक्यूरेट, इट इज लेस एक्यूरेट, इसकी सेंसिटिविटी भी हाई है और एक्यूरेसी भी मोर है, इसकी सेंसिटिविटी लो है और एक्यूरेसी क्या है, लेस है। उसके बाद सेवन जो पॉइंट होगा, सेवन पॉइंट क्या होगा, इट इज नॉट पोर्टेबल यानी ये जो पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट है ये लार्ज साइज का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हमने इसको लिखा इट इज नॉट अ पोर्टेबल। और यहां पे जो सेवन पॉइंट होगा वो सेवन पॉइंट क्या होगा, इट इज अ पोर्टेबल, इट इज अ पोर्टेबल। ओके, उसके बाद का जो एट जो पॉइंट है, एट पॉइंट क्या होगा, इट इज बेस ऑन द, इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है डियर स्टूडेंट, इट इज बेस ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड, ध्यान में रखना है, इट इज बेस ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड, इट इज बेस ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड। और यहां का जो एट जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, इट इज बेस ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड, इट इज बेस ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड, ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस है और ये जो है वो डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस है। ओके,
तो ये हो गए हमारे 8 पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है पोटेंशियोमीटर का। नाइन्थ पॉइंट, इट कैन बी यूज फॉर द कैलिब्रेशन पर्पज। इट कैन बी यूज फॉर द कैलिब्रेशन पर्पज, जो इंस्ट्रूमेंट का जो कैलिब्रेशन जो होता है, वोल्ट मीटर हो गए, एमीटर हो गए, ये कैलिब्रेशन करने के लिए, यानी प्रिसाइजली रीडिंग मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट, यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज फॉर द कैलिब्रेशन पर्पज। और यहां पे जो होगा हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, एट हो गए थे, ये होगा हमारा नाइन्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट यहां पे क्या होगा, इट कैन नॉट बी यूज फॉर द कैलिब्रेशन पर्पज। इट कैन नॉट बी यूज फॉर द कैलिब्रेशन पर्पज। अब टेंथ पॉइंट जो होगा, टेंथ पॉइंट आप पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन दे सकते हो डियर स्टूडेंट। इट इज यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और वोल्ट मीटर जो है, इट इज नॉट यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये भी उसका डिफरेंस पॉइंट होगा डियर स्टूडेंट। और पोटेंशियोमीटर, इट इज अ मोर सेंसिटिव। और सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करते हैं, हाउ वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। दो मार्क का ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो उसका आंसर क्या होगा, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। ध्यान में रखना है, क्योंकि जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा रहेगा। दैट इज हमने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी देखा है, हमारे पिछले जो वीडियो है वो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल में हमने आपको उसको समझाया था। ओके, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी कब, जब हम लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करेंगे। और लेंथ ऑफ वायर हम जब इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, डिक्रीज रहेगा। ध्यान में रखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। ओके, तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए अगर लेंथ हम इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, यानी उसकी वैल्यू कम रहेगी। अगर लेंथ अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी हम कैसे इंक्रीज करते हैं, टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। करंट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर लेंथ अगर कांस्टेंट अगर रखना है तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर हम कैसे इंक्रीज करते हैं, तो उसका ये भी एक रीजन था डियर स्टूडेंट। और ये जो 10 पॉइंट है डिफरेंस पॉइंट के लिए, आपको दो मार्क का अगर डिफरेंस आया, अगर आया तो आप दो या तीन या चार पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन हमने ये 10 पॉइंट लिए है। ये जो 10 पॉइंट में है, ये 10 पॉइंट में आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी कवर हुआ है डियर स्टूडेंट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी कवर हुआ है, और 2 मार्क के क्वेश्चन जो आते हैं सिंपल वो भी कवर हो गए हैं डियर स्टूडेंट। भाई के जो आंसर है वो भी आपके कवर हो गए, तो इसके वजह से हमने कंप्लीट 10 पॉइंट में वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर कंप्लीट आया है डियर स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो नाम है वो है इकोनॉमिक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।